तो ठीक है, हमने कॉलिजन थ्योरी का बेसिक देखा। अब एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट उसी में से निकल के आ रहा है और उसका नाम है मीन फ्री पाथ। क्या होता है ये मीन फ्री पाथ? देखो, मान के चलो मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और एक बड़े से ट्रैफिक वाले एरिया में चला गया और टकराता टकराता मैं घर पे पहुंच रहा हूँ। तो मेरा घर ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर, कितना? 10। और एक तरह से मैंने पूरे रास्ते में 10 बार टक्कर मारी, कभी किसी साइकिल वाले को, कभी रिक्शे वाले को। तो एक तरह से बताओ, ऑन एन एवरेज दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? 1 किलोमीटर। तो वही मीन फ्री पाथ है। आ रही है बात समझ में? तो मीन फ्री पाथ को आपको समझना है, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। मीन फ्री पाथ, तो हो सकता है कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने 10 किलोमीटर चला, ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर के बीच में मेरा कॉलिजन हो रहा है किसी के साथ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 किलोमीटर तक हुआ नहीं, फिर अचानक दो एक साथ हो गए जल्दी जल्दी, हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एवरेज की। तो ये मीन का मतलब ही एवरेज है और फ्री पाथ का मतलब है कितने देर तक आप बिना टकराए चल पाए हो। तो बिल्कुल ये हिंदी में मैंने समझा दिया, लेकिन अब लिखना तो अपन को इंग्लिश में ही पड़ेगा। इट शो द डिस्टेंस, इट शो द एवरेज डिस्टेंस, एवरेज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन कॉलिजन बस इट शो द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। पूरा लिख लो यार, ऐसे छोड़ो मत। ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो देखिए, आपका ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल इधर गया, कॉलिजन करा, नीचे आया, फिर कॉलिजन करा, फिर इधर आया, फिर कॉलिजन करा। इस तरह से वो बार बार अपना पाथ भी चेंज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, नहीं कहा, कहने का होता है कौन, सुनता ही नहीं है, छोटा ही इतना है। तो कॉलिजन करेगा, पाथ चेंज करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप मुझे बताओ कि 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बताओ जल्दी से। फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड बताओ कितनी आएगी? यूएवी आएगी, और क्या आएगा? दूसरा पॉइंट बताओ, टोटल कॉलिजन बाय वन पार्टिकल, उसी की बात कर रहे हैं, वन पार्टिकल इन 1 सेकेंड। तो बताइए, यहां मैं क्या लूं, जेड वन लूं या जेड वन वन लूं? जेड वन, क्योंकि एक ही पार्टिकल के लिए निकाला है। तो एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, हमें टोटल को, टोटल मीन फ्री पाथ का कोई मतलब ही नहीं होता। मीन फ्री पाथ का मतलब मीन फ्री पाथ होता है एक के लिए। तो जेड वन लोगे तो ये वैल्यू कितनी है? पाई डी स्क्वायर रूट टू यू ए वी एन स्टार, आपको याद है क्योंकि अभी हाल ही डेराइव करा है, छोटा सा है। तो ये आपके पास हो गया 10। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है थर्ड मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इसको किसी से तो रिप्रेजेंट करना है, मैंने इसको लैम्डा से कर दिया। अच्छा किया ना, लैम्डा से तो वेवलेंथ रिप्रेजेंट करते थे, क्या करें, कुछ बनाना है तो लैम्डा ही अच्छा है। यहां लैम्डा का मतलब मीन फ्री पाथ है। ये क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल कोलिजन। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल कोलिजन, बताइए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी है अब? यूएवी, और टोटल कोलिजन कितना है उस पार्टिकल से? पाई डी स्क्वायर रूट टू यूएवी एन स्टार। तो आप बता सकते हो, ये यूएवी से यूएवी कट गया तो क्या आएगा? ये वैल्यू रूट टू पाई डी स्क्वायर एन स्टार। अरे वाह, ये हमारे पास आ गया एक छोटा सा फॉर्मेट में आंसर, जो ये बता रहा है कि मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या होगी। तो क्या मीन फ्री पाथ, आप मुझे आसान भाषा में बताएं, मीन फ्री पाथ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा या प्रेशर क्या होगा या इन पे? हाँ, हमें कमेंट करना पड़ेगा कि कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एन स्टार में आपको मालूम है पी एन ए बाय
अपॉन आरटी आता है, तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं आ रहा है। क्या डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है ये? हाँ बिल्कुल, डायमीटर पे डिपेंड करता है पी। तो एक तरह से देखा जाए तो एन स्टार की वैल्यू रख दो, आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी। एन स्टार की वैल्यू क्या निकाला आपने? पी एन ए अपॉन आर टी। तो टेम्परेचर के साथ क्या रोल है, प्रेशर के साथ क्या रोल है, आप सब कर सकते हो यार। करिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी कंटेनर में कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर है, दोनों कांस्टेंट है, और वॉल्यूम डबल करा जा रहा है डबल मोल मिला के, तो कॉली नंबर ऑफ नहीं नंबर ऑफ मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एन ए कांस्टेंट, तो फिर वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए, मोल नहीं बढ़ाया जाए, तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, इनवर्स में। प्रेशर कम होगा तो तो ऐसे सोचना पड़ेगा। तो इस तरह के सोचने वाले क्वेश्चंस हम एक साथ एक ही पैराग्राफ में करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला। तो चलो मेहनत करते हैं, इसको लिखिए।